एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉग, काफ़ी दिनों के बाद, आई थिंक 6-7 days बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। सो अभी आज मैंने जिस दो वीडियो शूट करे हैं, जिसमें से एक वीडियो जो है वो है इस रूम का मेकओवर एंड टूर। तो डेफिनेटली इस व्लॉग से पहले तो आप वो वीडियो डेफिनेटली देख ही लोगे, क्योंकि मेरे व्लॉग एकदम ऐसे रह रहे पेपे चलते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह चालू करके मैं रात में खत्म कर दूँ, या आज शाम को चालू करूँ तो नेक्स्ट डे खत्म कर दूँ। नहीं, मेरे व्लॉग्स 5-5, 6-6, 7-7 दिन चलते रहते हैं। सो पता नहीं ये व्लॉग आप कब देखने वाले हो, बट हाँ आज मैंने फाइनली अपना जो मेकओवर खत्म कर दिया है। एंड साथ ही साथ जो एक और पेंडिंग वीडियो था, जिसमें जो सब लोग एडिटिंग सीरीज के बारे में, मिक्सी चल रही है सो प्लीज अवॉइड द नॉइज। सो सेकंड जो वीडियो है वो है एडिटिंग सीरीज का फर्स्ट एपिसोड मैंने फाइनली आज शूट कर लिया है, क्योंकि काफी दिनों से मुझसे काफी सारे लोग बोल रहे थे आप कब ले गए आओगे, आप कब ले गए आओगे, वो कंटिन्यूसली पेंडिंग होता जा रहा था। तो मैं फटाक से चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर आप मेस देखिए, लुक एट दिस मेस, तरीके से सारा मैच हो रखा है। और चेंज करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मेकअप पाउच मंगवाया है, दिस इज द मेकअप पाउच, अमेजिंग बिग क्वालिटी, 700 rupees का मेरे को ये आया था। मुझे एक थोड़ा बड़ा मेकअप पाउच चाहिए था, जिसको मैं एज इट इज वहाँ घर में भी ले जाऊँ और यहाँ पर भी यूज कर लूँ। उससे पहले तो कभी इतना ट्रैवल करते भी थे तो हार्डली 2 या 3 दिन के लिए तो इतना जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। तो मेरे पास छोटे छोटे तो काफ़ी सारे बैग्स थे, बट ऐसे बड़ा नहीं था। सो इसके अंदर यू नो, बहुत पहली चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप देखिए कितना सारा सामान रखा हुआ है। इनफैक्ट इतनी बड़ी मेरा फेस पैक की एक टब तक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है एक चीज, एक कंपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पर जिप है, ये है बैग, यहाँ पे आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो एक कंपार्टमेंट है, इसको मैं ओपन हटा देती हूँ। तो ये है कंपार्टमेंट एंड यहाँ पर जिप दिया हुआ है, इस जिप को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपने सारे लिपस्टिक्स रख के रखे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ टोटल मैंने इसमें कितने लिपस्टिक्स रखे हुए हैं, काफ़ी बड़ा सा स्पेस है ये भी। तो आप देखिए इतने सारे लिपस्टिक्स, मतलब 1, 2, 3, 6, 7 लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे। तो ये 7 लिपस्टिक्स इस कंपार्टमेंट में बहुत आराम से आ गई हैं। और इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये बंद हो गया। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर मेरा फेस पैक भी रखा गया, मेरा छोटा आई शेडो का पैलेट है, मेरा फाउंडेशन का है, उसके बाद मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, और भी इसमें बहुत सारा सामान आ सकता है। इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं इधर तरफ सेक्शन में, तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर भी अगेन मेरा कंसीलर और ये फाउंडेशन रखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर एक ऐसा कंपार्टमेंट है। और इस तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें मेरा एक्चुअली वो है ऑयल है, दिस इज़ नीम ऑयल, मैं नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, एक्ने हो जाते हैं तब, तो ये नीम ऑयल है। और ये आई थिंक रोज़ वाटर है, तो ये रोज़ वाटर को मैंने इस बॉटल में करके रखा हुआ है। उसके बाद ये मेरा छोटा वाला स्प्रे है, एंड देन कॉम रखा हुआ है, थोड़ी सी कॉटन रखी हुई है, मेरा टोनर रखा हुआ है, मेरा मॉइस्चराइजर रखा हुआ है, हेयर बैंड रखा हुआ है, मेरा रबर बैंड रखा हुआ है, देन ये प्लम का एक्ने वाला जो जेल है, क्लियर स्पॉट जेल है, वो रखा हुआ है, और एक छोटा सा डीओ रखा हुआ है, एंड साथ में ये लिप बाम रखा हुआ है, और आई थिंक एक और एक रबर बैंड रखा हुआ है, दैट्स इट। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ जाती हैं। सो अमेजिंग क्वालिटी, बहुत बड़े साइज में है ये, इसमें अभी भी बहुत कुछ आ सकता है। ये नायका से मंगवाया था, अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर परचेस करिएगा, हाईली रिकमेंडेड, कोई स्पॉन्सर नहीं है ये। नायका और मैं शेयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाँ, तो हमारे पास अजियो का एक गिफ्ट कूपन था, जो कि मुझे रिसीव हुआ था। गिफ्ट्स के फॉर्म में एक कूपन दे दिया जाता है, तो आपको उस कार्ड से जितनी शॉपिंग करनी होती है आप वो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ना बैग्स पे सेल चल रही थी, सोच के किसी ना किसी को देने के लिए मंगवाए हुए हैं। सो काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी और अमेजिंग प्राइस में मुझे ये मिले हैं। तो सबसे फर्स्ट बैग जो है वो है ये स्लिंग बैग, और ये आई थिंक ये है स्लिंग बैग, और बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी में है ये, मुझे सेल में अच्छे प्राइस पे मिला था। सो यहाँ से आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे लाइक दिस, इसमें ओपन करने का कितना स्टाइलिश है आप वो देखो, यहाँ से आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो एक कंपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर 2 zip दिए हुए हैं, तो एक तो ये है, ठीक है, और एक और जो सेक्शन है वो है ये,
तो दो कंपार्टमेंट दिए हुए हैं एंड यहाँ पर और कोई जिप तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ तो ऐसे ये, तो आपको यू नो ऐसे छोटा मोटा कहीं जाना है तो आप ऐसे स्लिंग बैग इसको यूज कर सकते हैं। रियली लाइक इट, अमेजिंग क्वालिटी और बैगेट का है। तो ये है फर्स्ट बैग, इसी के जैसा है सेकेंड बैग और इसी के सेम जैसा है थर्ड बैग। सो डेफिनेटली दीज आर फॉर गिफ्टिंग पर्पस। तो मैं एग्जैक्टली इसका प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। जो नेक्स्ट बैग है वो है ये, अगर मेरी मम्मी को पसंद आ जाता है तो वो रख सकती हैं, बट अदरवाइज तो ये भी बहुत अच्छा बैग है। इसमें एक कंपार्टमेंट है यहाँ पर, ये रहा कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट में भी ऐसे अच्छी खासी एक जिप दी हुई है। तो ये है जिप, ठीक है, एक जिप ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ हो गया और एक और जिप यहाँ पर दी हुई है। सो ये है नेक्स्ट बैग और एक जिप यहाँ पर पीछे दी हुई है। काफी सारी जिप्स है, मतलब मम्मियों टाइप की बहुत सारी जिप है, 1 2 3 4 5 जिप है और बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का है, लाइट वेट है, यहाँ पर बैगेट का वो बना हुआ है, क्लासी है। इफ यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन या आपको ऐसे न्यूड शेड्स के बैग पसंद आते हैं ना, वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। तो ये है नेक्स्ट बैग। हाय गाइस, सो आई थॉट टू शेयर नाइट टाइम स्किन केयर नॉन स्पॉन्सर्ड वाला, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने जो एक्ने स्पॉट्स हैं उस पर आप क्या यूज कर रहे हो। सो बेसिकली मैं आपको 3 सेरम्स बताती हूँ। ये सेरम है जो कि बाय बॉडी शॉप टी ट्री एंटी इम्परफेक्शन डेली सोल्यूशन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आता है कितने का, आई थिंक 40-95 रुपीज का आता है। बट आप अगर ये सोचो कि आपका आपके स्किन से ब्लेमिशेस हटा देगा, आपके स्किन से एक्ने को कंट्रोल कर देगा, आपके स्किन से जो भी एक्ने स्पॉट्स हैं उसको लाइटन अप कर दे, नो, ये कुछ काम नहीं करता है। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये काम क्या करता है, ये क्लेम कुछ और करता है बट एग्जैक्टली जो ये क्लेम करता है वैसा काम नहीं करता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपेंड एक्सपेंसिव, आप 1500 रुपये का कोई सेरम ले रहे हो, एंड इसको मैं एटलीस्ट मैं आराम से 1 साल यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब ये तो अभी है बॉटल इसलिए मैं इसको यूज करूँगी। उसके बाद एक और मेरे पास प्रोडक्ट है डॉक्टर बेलमेर का स्पॉट केयर एम्फल। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इसकी एक और बॉटल है जो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मैं इसके 2 बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ। ये आता है 2200 का, 2200-2300 समथिंग कुछ का आता है, फेस शॉप ब्रांड का ही है, सिस्टर कंसर्न ब्रांड है, या आई थिंक फेस शॉप का ही ये डॉक्टर बेलमेर रेंज है। तो इसको बोला जाता है कि ये बेसिकली करता है कि आपकी स्किन पे जो भी ब्लेमिशेज हैं उनको लाइटन अप करता है, जो भी आप इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाओगे उसको अंदर, सेरम का ही बेसिकली काम करता है, सेरम को भी ये बोलते हैं कि सेरम आपके डीप अंदर लेयर्स तक जाकर के काम करता है ना, उसके ऊपर आप जब कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो वो अंदर तक अब्सॉर्ब, अंदर तक जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, सेम इसी के साथ भी वही चीज है, बट 2200 का इतना छोटा सा बॉटल और मैं इसके 2 बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ, एज सच मुझे कोई बहुत इफेक्ट नहीं लगा है। मतलब जितना टाइम कोई भी एक्ने मार्क को लगता है ना, जैसे 2 मंथ्स, मुझे ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं एक्ने मार्क्स, जो ये डार्क एक्ने मार्क है ना यहाँ वाला, तो एटलीस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं। मुंबई में मुझे ये हुआ था लास्ट टू लास्ट मंथ, तो इतने टाइम में तो आई थिंक नॉर्मल आप कुछ नहीं भी लगाओ, नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर लगाओगे ना तो आई थिंक वो काम करेगा। बट अगर आपको इस तरीके का कोई अल्टरनेटिव चाहिए जो थोड़े कम रेंज में हो, तो वो नियासिनेमाइड सेरम, मुझे सेम वर्क करते हैं ये दोनों। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, मैं सारे प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो मेरे पास हैं। तो ये दोनों, नियासिनेमाइड हो गया इसका डर्माको का और ये हो गया डॉक्टर बेलमेर का, दोनों ऑलमोस्ट सेम का काम करते हैं। इसका प्राइस आई थिंक 599 रुपीज़ है और ये 2200 का आता है, तो दोनों ही बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ये नियासिनेमाइड ले लेती हूँ अपने हाथ पे, बिल्कुल ड्रॉप, बिल्कुल एकदम ड्रॉप लेती हूँ, 1-2 ड्रॉप्स लेती हूँ, एंड देन उसको हल्का सा जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगता है ना, मैं पूरे फेस पे नहीं लगाती हूँ उसको, आप लगा सकते हो पूरे फेस पे, बट जैसे इधर पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर अभी ब्लेमिशेज हैं मुझे, वहाँ पर लगा लूँगी एंड देन यहाँ पर, एंड दैट्स इट, दिस इज माई नाइट स्किन केयर। और अभी मैं एडिटिंग करने के लिए बैठूंगी, पहले इसको बेड में कन्वर्ट करती हूँ मैं और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने के लिए बैठूंगी।
गुड मॉर्निंग और आज है नेक्स्ट डे और आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल रात से स्टार्ट हुई थी बारिश होना, तो वो अभी आज हम लोगों का एक्चुअली प्लान था, मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, टीनू और विक्की और हम लोग कहीं जाने वाले थे, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आई एम श्योर इतनी बारिश में रोड्स में पानी भर गया होगा। कोई सेंस नहीं बनता इतनी बारिश में फालतू में जाना। अगर पानी 12 बजे तक रुकता है तो ही हम निकलेंगे, और अगर नहीं रुकता है 12 बजे तक तो नहीं जाने वाले हैं। आज मेरी मम्मी भी कॉलेज गई हैं, उनका कॉलेज डे है, आज सैटरडे है, और मेरे पापा भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। मैं जस्ट सो करके उठी थी, मतलब हो गया, मुझे टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, मुझे सो करके उठे हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। और मैं क्या कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। राइट नाउ आई एम एडिटिंग दैट मेकओवर वाला जो वीडियो है, जो इस वीडियो से पहले जा चुका होगा। सो ये एक मेकओवर वाला एक ऐसा वीडियो होता है, इसको मैं कल रात में आई थिंक 11:30-12 बजे तक एडिट कर रही थी, और अभी मैं सुबह से बैठ गई हूँ एडिट करना। मतलब एक्साइटमेंट होती है मेरे अंदर, एक तो मेकअप वीडियोज हो गया, एक तो ये मेकओवर वीडियो हो गया, और तीसरा ये कोई भी मैं हॉल वीडियो जो बनाती हूँ, ट्राई ऑन हॉल्स बनाती हूँ, क्योंकि इनमें आप है ना, एक तो एडिटिंग में क्रिएटिव हो सकते हो, मज़ा आता है। व्लॉग्स कैसे है ना, व्लॉग्स को एडिट करना में सबसे ज़्यादा अगर मुझे आलस आता है या मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ, वो है व्लॉग्स को एडिट करने में। मतलब आई एंजॉय मेकिंग व्लॉग्स, बट आई रियली डोंट एन्जॉय द होल प्रोसेस ऑफ एडिटिंग अ व्लॉग, क्योंकि पता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता है उसमें कुछ, बस वही बनाने में जितना मज़ा आता है उसकी एडिटिंग में उतना ही मुझे बहुत ही बेकार लगता है, बोरिंग लगता है। तो भाई अभी मैं सुबह से एडिटिंग कर रही हूँ और मैं आपको सुबह बाहर का व्यू दिखाती हूँ। वेट, स्ट्रीमिंग लाइक अ कैट्स एंड डॉग्स। मेरा रबर बैंड मैं लोकल मार्केट से लेकर के आई थी भोपाल के, एंड वेरी क्यूट, सच ए क्यूट रबर बैंड, यही मैं लगाई हुई हूँ। एंड अभी सुबह सुबह से मैं एडिटिंग करने बैठी हुई हूँ, तो ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और यहाँ सामने मेरा सामान है, यहाँ पर सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी जस्ट विकी का कॉल आया है यहाँ पर, फोकस, हाँ अभी जस्ट विकी का कॉल आया है कि यहाँ पर जो भदभदा डैम है ना, उसके जो गेट्स हैं वो सारे ओपन हो चुके हैं। ऑल दो मुझे पता है पुलिस वहाँ रुकने नहीं देगी, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, और आज सैटरडे है, तो विक्की यूजुअली अगर वो सैटरडे संडे घर पे है और कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो ऐसे ही कहीं उसको जाना रहता है, मतलब वो बोर बहुत होता है। तो अभी उसने मेरे को बोला है कि जैसी हो वैसे ही बस नीचे आ जाओ, मैं नीचे से पिक कर लूँगा। तो अब मैं फटाक से ऐसी बिल्कुल वैसे ही जा रही हूँ जैसी मैं थी, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बारिश का नज़ारा भोपाल का कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पर पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा, लुक एट दिस, ज़ू 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 ज़ू। ये देखिए ये पूरा डूब चुका है, ये तो पूरा रोड जो है ना वहाँ पर स्टॉपर्स लगा दिए, बिकॉज ये पूरी रोड डूब चुकी है। ये है आई थिंक एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल म्यूजियम है ये एमपी का, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं किसी दिन, ये आई थिंक ऑन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता म्यूजियम अलाउड होगा ना, कि 500 मीटर नहीं 300 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, 300 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही है ये। एंड ये मेरे घर के पीछे का यहाँ से सारे VIPs जो हैं, जैसे जितने भी मंत्री हैं, कांग्रेस के मंत्री, बीजेपी के मंत्री, फलाना ढिमकाना, सबके मंत्री यहाँ पे रहते हैं। और ये भोपाल है, ये रहे सारे लोगों के घर, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में जितने भी जजेस हैं भोपाल के, ये जजेस कॉलोनी है। सो यहाँ पर मेरे पापा के ऑफिस में एक आंटी थी, उनने एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर लिया था, तो वो अभी फाइन आई थिंक पता नहीं कौन से उसका वो जज बनी है वो, तो ये जजेस इनक्लेव ही है, सोसाइटी का नाम है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है एक्चुअली में। तो कल हम लोगों के जो गणपति जी हैं उनका विसर्जन होगा, तो उसका मैं कल व्लॉग अलग से शूट करूंगी। एंड आज बन रहा है किचन में, ये मेरे पापा कर रहे हैं दाल फ्राई, और ये मम्मी बना रही हैं आलू बड़े। ये
right now. See this. Hey. ये देखिए क्या हो रहा है, शूज की शॉपिंग हो रही है. तो जो शॉपिंग वाला कीड़ा है मेरे अंदर वो इन्हीं दोनों से है. यहाँ मेरे पापा को शू, मेरे पापा कुछ शॉपिंग नहीं करते, वो सिर्फ शूज की ही शॉपिंग करते हैं. क्योंकि हाँ, हमारी पूरी शूर एक भरी हुई है पापा के शूज से. रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वो जो उनको ये जो होता है ना एंकल होता है पैर का, उसमें काफी पेन होता है, तो उनको अच्छे सोल वाले शूज ही पहनने पड़ते हैं. तो बस 3-4 महीने वाले शूज पुराने हो जाते हैं और फिर हमारे पापा नए शूज देख लें. ही इज ऑब्सेस्ड विद शूज, है ना? ऑब्सेस्ड विद शूज, है ना? सो तो ऐसा. और आज का जो व्लॉग है, अब मेरे पापा को कैसा लगा? बाय. आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं अब एक और व्लॉग स्टार्ट करूंगी कल नया. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय.